हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इफ टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन से, और गिवन है आपको टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू फाइव। नाउ आपको जो ऑब्टेन करना है वो करना है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये यहां पर इजिली अगर आप इन दोनों का दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो मिल जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर। नाउ अगर आप ये देखें तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो आप ये लिख सकते हैं बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसके वजह से हो जाएगा आपका टेन ए स्क्वायर प्लस कॉट ए स्क्वायर प्लस टू टेन ए एंड कॉट ए इक्वल टू फाइव स्क्वायर, यानी कि ट्वेंटी फाइव। नाउ ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस टू। नाउ फ्रेंड यहां पर अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आप यहां कह सकते हैं बिकॉज कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए, तो आपका ये हो जाएगा टू टेन ए इंटू कॉट को वन अपॉन टेन ए, और ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव। टेन ए से टेन ए कैंसिल, और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये जो टू है सिंगल कांस्टेंट, ये इधर आपका जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपली जो हमें गिवन है उसका हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, देन आफ्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद यहां पर एक इनवर्स फॉर्मूला लगाया कॉट के लिए, और ये दोनों आपके सेम हो गए, तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए। देन आफ्टर नेक्स्ट में टू को हम इधर राइट साइड में लेके गए, उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 23। तो आपका आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 23। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।